कहाँ हो? वही जहाँ हम पहली बार मिले थे। किसी के प्यार में मोहब्बत महासप्ताह 10 से 18 जून रात 8 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। गोपी, गोपी शू विचारे छे, दूध भी उबल गया तेरा, तेरा ध्यान कहाँ है? आपको कुछ चाहिए? मैं अपनी बेटी के लिए जूस लेने आई हूँ। तनु की? आप रहने दीजिए, मैं उसके लिए फ्रेश जूस बना देती हूँ। तनु क्यों इतनी दया रही है उस पर? हाँ, तेरा उसका तो दुश्मनी का रिश्ता है ना? एक इंसानियत का रिश्ता भी होता है मामी जी। और मानसी की तबीयत इस वक्त ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन्नी भोली बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनू तेरे ऊपर एक टके का भी भरोसा नहीं है। सच सच बता, मेरी बेटी को पागल बनाने के इस प्लान के पीछे कहीं तुम लोगों का हाथ तो नहीं है? ए, ये देखो भी, मेरी बेटी की हालत बहुत नाजुक है और बहुत मुश्किल से हमने उसे ठीक किया है। बेटी के साथ खिलवाड़ मत करना, वरना क्या करेगी आप? आपको जो करना था वो आप गोपी के साथ पहले ही कर चुकी हैं। पागलखाने भेज दिया था ना उसे, और आज हम पर शक कर रही हैं। लेकिन हम में और आप में यही फर्क है, हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं, पर किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते जैसे आपने किया था मेरी गोपी के साथ। जिसे पीलिया हुआ होता है ना, उसे सब पीला ही नजर आता है, समझी? खोट आपके मन में है, इसीलिए आप हमें सवाल कर रही है। लेकिन आप कान खोल के सुन लीजिए, हम आप जैसे नहीं है। आपने हमारी गोपी के साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा आपकी बेटी भुगत रही है, क्योंकि ये हिसाब हम नहीं, वो ऊपर वाला करता है। तुम्हारू भाषण उर्मी बेन, आप कितनी दूध की थोली हुई है मैंने अच्छे से पता है, और ये मानसी को पागल खाने भेजने का खेल भी आप ही खेल रही हैं। लेकिन याद रखना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ये वादा है मेरा। जानती हूँ कि आने वाले दिनों में मानसी को और बहुत कुछ सहना पड़ेगा, पर हम उसका बदला तो नहीं ले रहे। तूने भी तो सहा है, हमें सिर्फ हमारे घर के कागजात चाहिए वापस, बस। आप चाहे कुछ भी कहे मामाजी, पर हकीकत तो यही है ना कि जो उन्होंने मेरे साथ किया वही आज हम मानसी के साथ कर रहे हैं, तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? सोचना पड़ेगा, जिससे अपना काम भी हो जाए और गोपी का ज्यादा दुखी भी ना हो। मम्मा आप रो क्यों रही हो? जैसे मम्मा को रोते देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, वैसे बड़ी माँ को परेशान देख के मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हुआ विद्या जी? मुझे माँ की बहुत फिक्र हो रही है।
मानसी आंटी को हराने के लिए पूरे चक्की अंकल को पापा बना के उनके सामने भेजना पड़ रहा है, और मैं जानती हूँ माँ को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होगा। सच्चाई की जीत के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। महाभारत में भी कृष्ण भगवान ने झूठ का सारा लेकर पांडव को जीत के लाए थे, क्योंकि वो धर्म और सच्चाई के साथ थे। और माँ भी वही कर रही है। सब ठीक हो जाएगा। देखो हेम, आज मैंने तुम्हारे फेवरेट कलर की साड़ी पहनी है, प्लीज कम सुन। तू की कर रही है पुत्र? तू हरा नीला पीला कुछ भी पहन ले, कोई आत्मा शात्मा तेरे मिलने नहीं आने वाली। तू समझती क्यों नहीं है ये सब उस गोपी की चाल है? नहीं मॉम, बात तो आप नहीं समझ रही है। मैंने कहा ना आपसे, मैं अहम को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, उतना जितना कोई नहीं जान सकता उसे। मैंने देखा है उसे, महसूस किया है उसे, उसकी प्रेजेंस को फील किया है मैंने मॉम। हमारा प्यार ना मॉम जन्मों जन्म का है, सो प्लीज अब आप डिस्टर्ब करना बंद कर दीजिए। उधर कैसे समझाऊं इस पगली को? एक बार ये कार पिक जाए ना तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए, वरना ये लोग तो मेरी बेटी को पागल करके छोड़ेंगे। महिमा टी में ग्रीन कलर ना। ओ जुमुरो, तुम्हें रंगों की भेलपुरी बनानी आती है? रंगों की भेलपुरी? छोड़ो मैं बताता हूँ। अरे मतलब रंगों को मिक्स करना। देखो पेड़ पौधों का हरा कलर बनाना हो ना तो पीले के अंदर ब्लू कलर मिक्स कर दो, समझे? ये देखो हरा हो गया ना। अच्छा तो पान खजूर मुझे बताओ कि मुझे कौन सा कलर पसंद है, काला या सफेद? बताता हूँ। देखो ये इतना बड़ा व्हाइट पेपर है ना सफेद पेपर, इसमें अब देखो इतने बड़े सफेद पेपर के ऊपर ये काला बिंदु भी नजर आता है, इसलिए अब सफेद रंग के पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या वह खुद सफेद में से ग्रे कलर बना के इस काले बिंदु पे जीत हासिल कर ले, समझे? समझे? देखो ये जो काला है ये बुराई है, ये सफेद जो है ये अच्छाई है। अगर इस अच्छाई को इस बुराई पे हावी होना है तो इसके रंग में समाना हो, चाहे भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन इसे ग्रे बनकर हल्का तो बुरा बनना ही। गोपिका क्या सोच रही हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे ही। अरे बस 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 बस, भरम ज्ञान हो गया तो बहुत है मेरे लिए। अब थैंक यू की जगह मुझे ना गर्मा गर्म पकौड़े खिला दीजिए, ये चूहे बिल ना उधर खेल रहे हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। इतनी अच्छी बात समझाई लेकिन फिर भी 100 ग्राम नहीं मुस्कुराई। ये ले, इसे कान में लगा ले। क्या? अरे जैसे फिल्मों में पुलिस वाले कान में पहन के एक दूसरे से बातें करते हैं ना, वैसा ही है ये। इसकी मदद से हम भी एक दूसरे के साथ चुपके से बातें कर पाएंगे। इसका मतलब ये मामी आंटी कि जब मैं उस मेकअप की दुकान के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ तो तुम मुझे उसमें भी एक्टिंग का ज्ञान देगी? एक्टिंग का ज्ञान नहीं,
ओवर एक्टिंग का क्या, क्योंकि आजकल तू बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है और इसीलिए जैसे ही मुझे लगेगा कि तू बहुत हवा में उड़ रहा है, मैं सीधा तुझे जमीन पर ले आऊंगी। मैं हवा में उड़ता हूं? दे जमदनो दे, तू जा खुद उस मेरे को भी गाने के साथ जाके एक्टिंग कर। ले 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 ले। मेरा जगीरा बहुत नाराज हो गया। तू ऐसे नाराज नहीं होते, मैंने ना आज तेरे लिए गुलाबी लस्सी बनाई है, तू पिएगा? ऐसे मेरा मन तो नहीं है, अब तू इतनी जिद कर रही है तो पी लूंगा, जा ले। ले आती हूँ मैं। खाते कैसे हैं? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।